बिहार के चुनावी घमासान में बात गरीबी की हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है, बिहार के गौरव की हो रही है, लेकिन जब इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो चीन का सवाल भी उठाया और बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत को भी याद किया। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले। लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरण में शीश झुकावतानी। बिहार रेजिमेंट के 20 जाबाजों ने अपनी शहादत पेश करके गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को सबक सिखाया था। वतन पे अपनी जान निसार कर देने के उनके हौसलों को कौन भूल सकता है। लेकिन चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उठाया तो महागठबंधन के लिए वोट मांगने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है, सवाल ये है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है, आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम से भागलपुर तक करीब 8 सीटों पर अपना प्रचार कर दिया। इसमें बिहार से जुड़ते मुद्दे उठाए तो देश की अस्मिता से जुड़े सवाल को उठाया। जब सासाराम में बोल रहे थे तो भोजपुरी में बोलकर दिल का एक रिश्ता कायम कर गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। माँ मुंडेश्वरी ताराचंडी माता के इस पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। लेकिन राहुल ने नवादा से कहलगांव तक प्रधानमंत्री मोदी के चीन वाले विमर्श का पीछा किया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है, आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, ये बताइए। बिहार में घमासान आज सियासी है, लेकिन 4 महीने पहले गलवान घाटी में चीन से एक सामरिक घमासान हो गया था। 15-16 जून की रात लद्दाख में LSC के पास गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे जवानों पर हमला कर दिया था। धोखे से हुए उस हमले में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन शहादत देते हुए भी चीन के कई सैनिकों का काम तमाम कर गए। पिछले 45 साल में पहली बार भारत और चीन के बीच किसी झड़प में किसी की जान गई, लेकिन बिहार रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के पराक्रम से चीन की हालत पस्त हो गई थी। उस वक्त बिहार रेजिमेंट में बिहार से भी 2 जवानों ने शहादत दी थी। बिहार के जाबाजों का पराक्रम दुनिया ने देखा, अब उस जाबाजी का बिहार से चुनावी नादा भी जोड़ दिया गया। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।